नमस्ते यूट्यूब परिवार, रोमांच की सीट कस ले क्योंकि आज का व्लॉग आपको ले चलता है खूबसूरत श्रीनगर की सैर पर, और वो भी पूरे 12 सदस्यों के साथ। श्रीनगर की ठंडी हवा में कदम रखते ही जैसे जादू सा छा गया। शहर के बीचों बीच रीगल पैलेस होटल में हमारा ठिकाना है आज। चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं उस कमरे की जहां मैं अपनी बहनों के साथ रह रही हूं। अगले दिन की श्रीनगर की सैर के लिए उत्साह चरम पर था, और श्रीनगर घूमना भी था। सब कुछ नया अनुभव करने के लिए हम बहुत बेताब थे। तो चलिए झांकते हैं हमारी मीटिंग में, जहां कल के प्लान पर चर्चा हो रही है। और वो रेस्ट में ड्रेस कैसे सेट करूं मैं? कितना कैसे पूरी है? कैसे पार्ट ठीक है? और लाइक नहीं मैं क्या खाली क्लास डाल लेती हूं। खाली खाली श्रीनगर साइड सीन कर दो भाई। प्लानिंग का पूरा प्रोसेस बड़ा ही मजेदार था। हर किसी की राय अलग, पर हर जगह जाने की रोमांच सबके चेहरे पर झलक रहा था। गुड मॉर्निंग, आज है 3rd डे कश्मीर में, और हम जा रहे हैं खाने हरीसा और लवाजा, जो कि कश्मीर का स्पेशल एक ब्रेकफास्ट डिश है जो मटन से बनता है। सो लेट्स सी। बोलो चम्मच देखो, एक ही दो ही जितना भी होगा पैक सच कहूं तो स्वाद अच्छा था, लेकिन शायद हमारी आदत नहीं थी ऐसी चीजों की। होटल वाले अंकल शायद हमारी हंसी मजाक से ही समझ गए कि स्वाद थोड़ा अलग लगा हमें। वो फटाफट गर्मा गर्म चाय लेकर आ गए, जबकि चाय उनके पूरे मेन्यू में ही नहीं था। तो फाइनली हमारा हरीसा खाके हो गया है, और हमने खाया हरीसा, लवासा जो उनका रोटी है, और उन्होंने हमको चाय बना के दिया था जो स्पेशली हमारे लिए और उनका मेन्यू में नहीं था। तो इन सबका कॉस्ट है 200 रुपीज़, और टेस्ट वाइज अगर आप पूछो तो टेस्ट बहुत अच्छा था। बस हम ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि पहली बात हमारे ग्रुप में दो लोग मीट नहीं खाते हैं, और दूसरी बात हमारी इतनी आदत नहीं है सुबह सुबह मटन खाने की। बट
टेस्ट बहुत अच्छा था। और एंड में जब हमने उनको पैसा ऑफर किया, उन्होंने हमको बोला कि आप हमारे गेस्ट हैं, हम नहीं ले सकते पैसा, और हमने ज़बरदस्ती उनको पैसा दिया। तो आज तक, आज हमारा कश्मीर में थर्ड डे है, और या अगर हम लोग 8 सितंबर से बताएं जब हम लोग लैंड किए थे श्रीनगर में, तो आज फोर्थ डे बनेगा हमारा श्रीनगर में। और आज तक का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है हमारे यहाँ के लोगों के साथ, इट्स ओनली लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, एंड द हॉस्पिटैलिटी दैट दे हैव गिवन अस, द हॉस्पिटैलिटी दैट वी हैव गॉट सो फार, इट्स इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मैंने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लोगों ने अभी तक जो भी सुना था कश्मीर के लोगों के बारे में, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हॉस्पिटेबल है, तो वो एकदम सच है। अभी तक हम लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा है वहाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा है। और पहले पहले हम आने के लिए, अगर सच बताओ तो हम सुबह सुबह आने के लिए डर रहे थे, क्योंकि सुबह 5:30 बजे आना था, जब रोड एकदम खाली रहता है, लोग यूजुअली नहीं रहते हैं रास्ते पे, और रास्ता भी एकदम खाली था। बट कल होटल में उन्होंने बोला था, जो होटल में हमारे भैया थे, उन्होंने बोला था कि आप जाइए, एकदम बेफिक्र होकर जाइए और एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। वापसी में पूरे परिवार को सुबह के इन अनोखे अनुभवों के बारे में बताया, नया स्वाद चखा, होटल वालों की अच्छाई देखी, तो श्रीनगर घूमने का और भी ज्यादा जोश आ गया। अब चलते हैं अगले रोमांचक पड़ाव पर। ଆମେ ବାହାରିକି ତୁ ତିନି ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ରେଡ଼ି ଗଲାଣୁ କି ଏତେ ବନ୍ଦ କହିଲେ ତାକୁ
की सारा था उठे ସେ ଲୋକଟା ଆସିଲା ଉପରୁ ଚାବିଟା ହେଇ ଲୋକ ତଳେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଶୋଇଥିଲା ତା ପାଖରେ ଥିଲା ମୋ ନାନୀ ଏଇ ତଳ ଲୋକଟା ହଉଛି ଆମେ ଉପର ଲୋକଟା ଯିଏ ଆସିଲା ଚିନ୍ତା କର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ଯାହାଛି हमारा पहला पड़ाव था मुगल गार्डन। ये खूबसूरत बगिया मुगल बादशाहों की कलाकारी की जीती जागती निशानी है। सोचो तो सैकड़ों साल पहले राजा महाराजा इन बगीचों में घूमा करते थे। मजे की बात तो ये है कि श्रीनगर में कई सारी खूबसूरत गार्डन है, जैसे ट्यूलिप गार्डन, शालीमार बाग और चश्मे शाही। Thank you.
वाह क्या इत्तफाक, जिस दिन हम घूमने निकले उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह साहब कश्मीर में थे। तो कुछ जगह तो बंद ही रही। लेकिन घबराओ मत, हमारा मजा पूरा होने वाला ही नहीं था। हमने अपना रुख किया खूबसूरत पहलगाम की ओर। वहां के रोमांचक पल आप पहले ही देख चुके हैं हमारे पिछले व्लॉग में। लेकिन पहलगाम के रास्ते में कुछ ऐसा देखने को मिला जो हमने आपको नहीं दिखाया। था केसर का खेत। हाँ, वो सुनहरा मसाला जिसे सोने का धागा भी कहते हैं। अब रास्ते में चलते चलते एक खूबसूरत सी दुकान पर हमारी नजर पड़ी, जहाँ सूखे मेवे और कश्मीरी खासियतें बिक रही थी। अंदर घुसते ही खुशबू ने ही हमें मोहित कर दिया। हमने वहां कई तरीके के सूखे मेवे चखे, किशमिश, खुबानी, अखरोट और भी बहुत कुछ। हर एक का स्वाद लाजवाब था, बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट। आपका दुकान का नाम बता दीजिए बस। अच्छा ठीक है। कुछ खास चीजें भी खरीदी, जैसे राजमा, सूखे ब्लूबेरी और कश्मीरी मसाले। अब घर वालों को भी ये स्वाद खिलाएंगे। तो दोस्तों, पहलगाम का मजा तो आप पहले ही देख चुके हैं। अब बारी है श्रीनगर के दिलचस्प अनुभवों की। हमने अपना ठिकाना बनाया एक खूबसूरत हाउस बोट में, वो भी शान दल लेक में। ये हमारा दूसरा हाउस बोट का अनुभव था। इससे पहले केरल की अलेपी में हाउस बोट पर रुक चुके थे, पर यहाँ का अनुभव बिल्कुल अलग था। अलेपी के हाउस बोट पानी में घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन कश्मीरी हाउस बोट स्थिर रहते हैं। उन्हें पानी पर तैरते हुए होटल कहे तो ज्यादा सही होगा। लेकिन ये स्थिरता किसी भी तरह से कम रोमांचकारी नहीं थी। शान दल लेक पर तैरता हाउस बोट, पहाड़ों का नजारा, आसपास की बर्फ से ढकी चोटियां और शाम को लेक में हाउस बोट की रंग बिरंगी रोशनी, इस अनुभव को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हाउसबोट में चेक इन के बाद हम शाम को शांत शिकारा राइड का मजा लेने निकले। 3 शिकारा किराए पर लिए ताकि पूरा परिवार आराम से बैठ सके। এদিন এটিএম বি অছি পয়সা উঠিব খাইব পিব বুলিব।
तल लेक पर तैरते हुए कई शिकारा दिखाई दी जिनमें तरह तरह के खाने पीने का सामान बिक रहा था। गर्मा गर्म चाय से लेकर स्वादिष्ट कश्मीरी व्यंजनों तक सब कुछ मिल रहा था। हमने भी एक शिकारा से चाय ली और दल लेक की शांत वातावरण का लुफ्त उठाया। चाय कैसा है? बहुत अच्छा है। जानकारी दे दूं, दल लेक 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और इसे श्रीनगर का कहना भी कहा जाता है। पहाड़ों से घिरी ये झील अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ शिकारा राइड करना हर टूरिस्ट के लिए एक खास अनुभव है और हमने इस अनुभव को भरपूर किया। झील के शांत वातावरण में बात करना, हंसना, खिलखिलाना और आसपास की खूबसूरती को निहारना, ये पल हमेशा याद रहेंगे। हमारा रोमांच
सिर्फ नजारों तक ही सीमित नहीं था। पानी पर ही तैरती एक अनोखी साड़ी की दुकान ने हमारा ध्यान खींचा। थोड़ा उत्सुकतावश हम शिकारा से उतरकर दुकान में गए और वहां से खूबसूरत कश्मीरी साड़ियां खरीदी। ये साड़ियां अब हमारे घर वालों के लिए खास तोहफा बनकर यादें ताजा करेंगी। जब हम वापस आए तो हमारे केयरटेकर व कुक ने हमारे लिए तरह तरह के पकवान बना के रखे थे, लेकिन क्योंकि हम पहले से ही बाहर खा के आए हुए थे, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था उस दिन। सुबह होते ही आखिरी झलक लेते हुए हाउसबोट से विदाई का वक्त आ गया। हवाई अड्डे की ओर जाते हुए हम मन में कश्मीर की खूबसूरत यादें और लौटकर आने का वादा संजोए हुए थे। ये था हमारा 12 सदस्यों का श्रीनगर का मस्ती भरा सफर। शुरू हुआ था श्रीनगर के एयरपोर्ट में। पहले हमने गुलमर्ग की बर्फीली चोटियों को छुआ, गोंडोला की रफ्तार में हवा खाई और बर्फबारी का मजा लिया। फिर सोनमर्ग में ग्लेशियर के ठीक सामने खड़े होकर प्रकृति की ताकत को महसूस किया। पहलगाम में झरनों का संगीत सुना और आखिर में श्रीनगर के दल लेक ने हमें अपनी खूबसूरती में खो दिया। दोस्तों, ये था हमारा 12 सदस्यों का कश्मीर का मस्ती भरा सफर। उम्मीद है कि इन सारे एपिसोड्स ने आपको न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू कराया, बल्कि एक बड़े परिवार के साथ घूमने के मजेदार पल भी दिखाए। अगले वीडियो में हम आपके साथ कश्मीर ट्रिप का पूरा खर्च विवरण शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हमारा यात्रा कार्यक्रम कैसा था और 12 लोगों के एक साथ घूमने का खर्च कितना आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।